दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ये यहाँ पर एक रसल वाइपर बहुत ही बिग साइज का है और ये यहाँ निकल गया है, तो हम लोग इसको रेस्क्यू कर लेते हैं। आप सभी को अनुरोध है, देखिए आज एक बहुत बड़ा घटना घट चुका है। घटना यह है उड़ीसा, और जहाँ पर एक महिला को सिर पे सांप ये रसल वाइपर बैठ गया सिर में, और उसको हमारा एक मित्र है MD मिर्जा आरिफ जो वहाँ पर पहुँच कर उस महिला को तुरंत एम्बुलेंस में ले जाकर 18 AVS देकर बेहतर इलाज के लिए कटक लेकर गए हैं। और हमसे लगातार उनका परिवार से बात हो रहा है और हम लोग उनको वादा किए हैं कि अगर ऐसा कोई परिस्थिति होता है तो हम 100% आपका मरीज को बचाएंगे और आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि एक चीज़ बात है कि अगर सांप अगर सिर में काट ले तो क्या होगा, मरीज क्या बच सकता है, उसके बारे में विस्तार पर बात करेंगे। पहले इसको रेस्क्यू कर लेते हैं। ये बहुत बिग साइज का है और ये शांत बैठा हुआ है, इसलिए शायद हमको लगता है कोई चीज़ खाया है ये। और असल वाइपर एक्चुअली ये थोड़ा सुस्त होता है, लेकिन ये खतरा महसूस होने पर बहुत स्पीड से भी जाता है। बहुत सारे आदमी ये सोचते हैं कि बहुत ये धीरे धीरे जाता है, कोढ़िया सांप है, इसको बहरा कहा जाता है, कहीं कहीं इसको चहचंदा बोलते हैं। तो ये सांप जो है बहुत चहकता है, इसलिए हमारा झारखंड में इसको चहचंदा बोला जाता है, चहकने का कारण। और बहुत ही बिग साइज का सांप है ये। और इसी तरह जो सांप पकड़े हुए थे और उसको डायरेक्ट हाथ में बाइट कर लिया, ये रजा कहा हमारा मित्र है, इसको रखो। अब इसको हाथ में नहीं पकड़ के डायरेक्ट जो है अब इस तरह बना के इसको दोस्तों अभी जिस महिला को सिर पे सांप काटा है, सिर में सांप काटने का ये मतलब अगर कॉमन केरेट और कोबरा ये दोनों सांप होता है ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है ये नार्व में अटैक करता है, हमारा दिमागी संतुलन को बिगाड़ता है। इसलिए जो है न्यूरोटॉक्सिन जब ये असर करता है आपको तुरंत जो है कोमा में चला जाता है, और ब्रेन में अगर सिर पर काटता है गर्दन के ऊपर में बहुत तेज़ी से असर होता है और पेशेंट में बचने का संभावना कम होती है। लेकिन ये रसल वाइपर है, रसल वाइपर खतरनाक तो है लेकिन उतना खतरा नहीं है, क्योंकि ये हीमोटॉक्सिन ब्लड तुरंत क्लॉट कर देता है और इसमें स्वेलिंग बहुत तेज़ी से होता है, किडनी और लिवर में डैमेज इफेक्ट करता है। लेकिन जो सिर में काटा है डायरेक्ट पहले ही 18 MT वेनम चल चुका है और वहाँ से उसको कटक उड़ीसा लेकर वहाँ पर भेज दिया गया बेहतर इलाज के लिए। और हमारा यहाँ से लगातार हमसे बातचीत हो रहा, मिर्जा भाई से भी बात हो रहा, हम कहा अगर ऐसा कोई दिक्कत होगा परेशानी होगा मैं 100% आऊँगा और उस मरीज को 100% बचाऊँगा। और हमारा आप सभी को अनुरोध करता, हमारा जनवरी में हमारा हॉस्पिटल ओपनिंग है, उससे बाद जो है कोई भी भारत में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी मरीज आ सकता है और यहाँ इलाज हो सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।